नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन दोपहर के समय ये 5 काम कोई कितना भी बोले लेकिन आप कभी मत करना। माना जाता है कि दोपहर के समय जो व्यक्ति 5 काम करता है उसके घर में पनौती आ जाता है, उसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, अक्सर कई लोग सुबह को छोड़कर दोपहर में पूजा पाठ करते हैं, जो कि शास्त्रों में घोर पाप के बराबर माना गया है। ऐसे व्यक्ति को फल की प्राप्ति नहीं हो पाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय रहती हैं और दोपहर के समय बुरी शक्तियों का वास होता है। ऐसे में जब आप दोपहर के समय पूजा पाठ करते हैं तो वह पूजा प्रीत को चला जाता है, अर्थात बुरी शक्तियों को। कहा जाता है कि ऐसी पूजा का फल किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता, बल्कि घर में नकारात्मकता का साया अपना वास बना लेता है। महालक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है। और पूजा पाठ आपको दोपहर में तब करनी चाहिए जब शुभ मुहूर्त हो। ऐसे में हम यह जानते हैं कि दोपहर के समय कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, जिसे शास्त्रों में कतई मना किया गया है। दोस्तों, आपसे एक विनती है, अगर आप वाकई में महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जरूर लिखें जय महालक्ष्मी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लाएं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात, दोपहर के समय घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि दोपहर के समय साफ सफाई करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। कहा जाता है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का संचार सबसे अधिक होता है। इस समय ईश्वर हमारे घर को प्रस्थान करती है, और जब आप सुबह को ना छोड़कर दोपहर में साफ सफाई करेंगे तो आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति कभी नहीं होगा। हमेशा झाड़ू पोछा सुबह के समय करना सर्वोत्तम माना गया है। इससे देवी लक्ष्मी घर में अस्थायी रूप से अपना वास बनाती है और घर को धन धान्य से भरती है। दोपहर में आप बिन बजाए किसी भी साफ सफाई करेंगे, घर में उतना ही नकारात्मकता ऊर्जा बढ़ेगा। दोस्तों, दूसरी बात, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, दोपहर के समय स्नान करने से अच्छा है सुबह के समय स्नान करना। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो व्यक्ति सुबह को स्नान करता है तो उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। दोपहर के समय नहाने से मनुष्य को किसी भी तरह का लाभ बल व बल बुद्धि प्राप्त नहीं हो पाता। दोपहर के समय स्नान करना व्यर्थ माना गया है। दोस्तों, तीसरी बात, दोपहर के समय किसी वीरान इलाके में नहीं जाना चाहिए। इस समय नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में घूम रहा होता है। कब्रिस्तान, शमशान घाट या वीरान जगहों पर दोपहर के समय कभी नहीं जाना चाहिए, इससे आप नकारात्मकता का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, चौथी बात, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को दोपहर के समय सूर्य की किरणें नहीं देखना चाहिए, ना ही तपती धूप में निकलना चाहिए। इससे होने वाले शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को सुबह की धूप लेना चाहिए, ना कि दोपहर की धूप। दोस्तों, पांचवी बात, गरुण पुराण में बताया जाता है कि दोपहर के समय जो व्यक्ति नहाने से पहले भोजन ग्रहण करता है तो वह भोजन प्रीत आत्मा को चला जाता है, जिससे व्यक्ति पर पूरे दिन भर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति नहाने से पहले भोजन ग्रहण करता है तो वह व्यक्ति सुख समृद्धि सभी तरह की सुख सुविधाओं से वंचित रहता है। ऐसा व्यक्ति पापी अर्थात नर्क की यात्रा भोगता है। दोस्तों, अगर आप भी रात होने से पहले ये 5 काम नहीं करते तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ सकता है। खासकर आधी रात के समय ये काम तो गलती से भी मत करना। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, प्रेम संबंधों के लिए वैसे तो कोई भी समय निर्धारित नहीं किया गया है, परंतु खास तौर से रात का समय इन कामों के लिए अशुभ माना गया है। आपको बता दें, प्रेम की लालसा और इच्छुक भावनाएं रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बढ़ती है,
और आनंद भी कई गुना मिलता है। लेकिन 12 बजे से और 3 बजे तक प्रेम संबंध बनाना चाहिए और इसके बाद का समय इन कामों के लिए बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें। जितना जल्दी हो सके प्रेम संबंध बनाने के लिए 3 बजे से पहले ही कर लेना चाहिए, इसके बाद कभी नहीं, अन्यथा परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं, क्योंकि सुबह 3 बजे के बाद का समय शुभ मुहूर्त यानी कि ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय ब्रह्मांड में ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ मौजूद होता है। ऐसे समय में भगवान की आराधना, प्रार्थना, पूजा पाठ तथा आरती की जाती है, ना कि इन कामों के लिए। सुबह के 3 बजे के बाद ईश्वर के दरवाजे खुल जाते हैं, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हर व्यक्ति को अवश्य होना चाहिए। दोस्तों नंबर 2, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति देर रात तक बिना किसी मुहूर्त के पूजा पाठ करते हैं तो उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी पूजा प्रेत आत्माओं को चली जाती है, अर्थात ऐसी पूजा का कोई भी फल मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। माना जाता है कि देर रात की पूजा पाठ करने से बुरी शक्तियां घर की ओर आकर्षित होती है, इसीलिए मुहूर्त के अनुसार ही पूजा पाठ करनी चाहिए। या रात होने से पहले यानी कि रात 11 बजे से पहले पूजा पाठ कर लेना चाहिए। रात 11 बजे के बाद अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो वह पूजा तांत्रिक माना जाता है, ऐसी पूजा मनुष्य को बर्बाद कर देता है। दोस्तों नंबर 3, बड़े बुजुर्गों ने इस बात को कई बार दोहराया है कि रात को सोने से पहले हाथ पांव और मुंह धो लेना चाहिए, नहीं तो खतरनाक नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आने पर व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, ऐसे में आपके ऊपर दोष लगते हैं। बगैर हाथ पैर धोकर अगर आप बिस्तर पर लेट जाते हैं तो पूरे घर में बीमारी को बढ़ावा देने के बराबर है, इसलिए हो जाए सतर्क। दोस्तों नंबर 4, एक सुखी जीवन जीने के लिए हमेशा परिवार को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि रात को सोने से पहले आपको दूध जरूर पीना चाहिए, और ये काम आप सोने से आधा घंटा पहले ही कर ले। रात को समय रोजाना हल्का गुनगुना दूध पीना शरीर के लिए अमृत के समान माना गया है, इसलिए आप बिना दूध पिए मत सोना, क्योंकि इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। दोस्तों नंबर 5, आप सोने से पहले अपने दिन भर का आकलन कर ले कि आज आपने क्या किया, क्या गलत किया, क्या नहीं करना चाहिए था। ये सब बातें रोजाना सोने से पहले अपने पूरे दिन का आकलन करना बुद्धिमत्ता कहा जाता है। इससे आपको अपने गलतियों और बुराइयों का पता चलता है। आप ये काम जरूर करें और फिर सुबह की शुरुआत ठीक तरह से करें। दोस्तों नंबर 6, विज्ञान में पूरी तरीके से दावा कर दिया है कि अगर बीमारियों को घर से दूर भगाना है तो रात के जूठे बर्तन और नल से टपकता हुआ पानी कभी किचन में ना होने दें। ऐसा करने से भयानक कीड़े मकोड़ों का बसेरा हो जाता है। कीड़े मकोड़े बर्तनों पर अपनी बीमारियों की छवि छोड़ जाते हैं, जिसके कारण पूरा घर बीमारी के चपेट में आ जाता है, पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। इसीलिए हो जाए सतर्क और हमेशा ध्यान रहे कि बहता हुआ पानी और किचन में झूठे बर्तन कभी ना छोड़े, क्योंकि झूठे बर्तन भी मनुष्य को श्राप देते हैं, जिसके कारण लक्ष्मी भी घर को छोड़ देती है। दोस्तों सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता लक्ष्मी, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।